अरे नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज़। तो आज बनाने वाली हूँ मैं पास्ता। तो चलिए गाइज़ मेरे साथ दुकान, क्योंकि पास्ता ख़त्म हो गया था तो मैं जा रही थी दुकान, पास्ता लेके आती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइज़, चलिए मेरे साथ पास्ता लेके आते हैं। आइए गाइज़ चलते हैं। तो देखिए गाइज़ मैं आ गई थी बाहर, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, चलते हैं। देखिए बाहर आ गई थी और अभी उतरते हैं घर से नीचे। घर तेरी बुद्ध कर मोड़े रखे यहाँ पीछे से चलते हैं। तो आइए चलते हैं गाइस। देखिए देखिए मैं आ गई थी घर के पीछे, आप देख सकते हो। मुझे सांप खुद भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, पीछे घर है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, शॉप से पास्ता लेके आते हैं और फिर बना के भी दिखाऊंगी। मैं पहले चाउमीन बनाने वाली थी तो मुझे चाउमीन का सामान पहले पूरा नहीं मिला, तो मैंने सोचा पास्ता ही बनाती हूँ। आप देख सकते हो सामने दुकान में पहुंचने वाली थी मैं। देखिए मैं दुकान में पहुंच गई थी। हाँ जी पास्ता है। हाँ जी मैक्रोनी। और आंटी चाउमीन के पैकेट रखे हो क्या आपने? चाउमीन है कच्ची, चौम मैक्रोनी दे दो फिर। गाइज आप देख सकते हो मुझे पास्ता नहीं मिला। कितने कितने वाली है? 10 रुपये में कितनी है दिखाना एक बार, फिर मैं दिखाऊंगी ज़्यादा। मेरे को पास्ता मिला ही नहीं तो मुझे मैक्रोनी लानी पड़ेगी, ना चाउमीन मिली। आप दे दो मुझे 3 दे दो। और आंटी सॉस के पैकेट भी दे देना 10। यार मुझे मिले ही नहीं मैक्रोनी, मिली ना मुझे पास्ता मिला ना मुझे चाउमीन मिले। तो अब देख सकते हो मुझे मिला नहीं तो मैं मैक्रोनी लेके गई। चलिए आज ये बनाना पड़ेगा फिर। तेरे घर पर घर तेरी कुत्ते को मोड़ रखे। आज मैं अपनी रियल वॉइस रखने वाली हूँ। आज फिर से आपको मैक्रोनी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि मैं चाउमीन या पास्ता बनाऊँगी तो उसके लिए सॉरी यार गाइस। आपके सामने ही लिया है जो कि मुझे नहीं मिला, मुझे यही मिला है। एक ही शॉप है घर के नज़दीक, बाकी बहुत दूर दूर है, दूर मुझे जाना नहीं था क्योंकि, तो मैं यहीं से लेके आई हूँ। कोई नहीं यही बनाते हैं मैक्रोनी, मैक्रोनी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए गाइस मैं घर के नीचे आ गई थी, गेट खोलो। आप लोग बोलोगे बार बार मैक्रोनी बनाते हैं, मुझे मिला ही नहीं, पर आज मैं न्यू स्टाइल से बनाऊंगी। पर तो मैं आ गई थी घर।
मैक्रोनी मिली और कुछ मिला ही नहीं। के लिए चीज लेके आई थी, तो गाइस थोड़ी देर में बनी रहना, आज दीदी बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी। तो गाइस जैसा कि आप सब ने कल देखा, मैंने आपके सामने ही शॉप से जो सामान लिया था, मैं पहले पास्ता या चाउमीन में से अगर कुछ मिलता तो मैं वो बनाने वाली थी, जैसा कि आप लोगों के सामने मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको कि नहीं मिला, मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैंने मैक्रोनी बनाई है, तो आप लोग ये मत सोचना कि डेली एक ही डिशेस बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने ही पूछा था क्योंकि घर के नज़दीक वही एक शॉप थी, दूर मुझे जाना नहीं था, दूर क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दूर है, डाक पत्थर बाजार मार्केट में जाना पड़ता है, तो नहीं मिली तो मैंने मैक्रोनी बनाई है जो कि मैंने कल आपको लाइव में पूरा दिखा दिया है गाइस। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कैसी बनी थी, क्योंकि मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है, बस ये दिखाना है। कुछ लोगों ने कहा था शिवानी आज भी मैक्रोनी बना रहे हो, तो बस ये ब्लॉग अपलोड करना है, आपको दिखाना है कि मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, वो मुझे मिला नहीं, तो मेरा मतलब ये सब खाने का बहुत मन होता है। मैं शॉप से बने हुए नहीं खाती हूँ, मैं घर पर बनाती हूँ नॉर्मल तरीके से, जिसमें तीखा कम होता है, नमक भी कम होता है। तो गाइस मैं वही कहना चाह रही हूँ, मुझे मिला नहीं, जिस कारण मुझे फिर से मैक्रोनी बनानी पड़ी। तो आप लोग जुड़े रहना गाइस मेरे ब्लॉग में, आपको सब कुछ दिख जाएगा क्या क्या है, पूरा देखना एंड तक।